नमस्कार, मैं हूं प्रिया। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे सभी व्यूअर्स के लिए अहम सूचना। अगर आप रोजगार की तलाश में बैठे हैं और आपको रोजगार से जुड़े समाचार की तलाश है तो आप हमारे YouTube चैनल GOVPVT को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ज्ञात हो हमारे चैनल पर आपको डेली प्राइवेट से लेकर सरकारी नौकरी की ताजा जानकारी मिलेगी। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। आज से पूरे बिहार में लागू होगा अनलॉक। बसों में मनमाना भाड़ा वसूलने वालों पर अब होगी कार्रवाई। बाढ़ प्रभावित इलाकों में अनाज की कोई दिक्कत नहीं होने की कही गई बात। बिहार में बिजली चोरी के खिलाफ शुरू हुआ महाअभियान। मनोज वाजपेयी ने केआरके के खिलाफ किया मामला दर्ज। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पूरे बिहार में लागू होगा अनलॉक 6। अनलॉक 5 के बाद बिहार में आज से अनलॉक 6 लागू होने वाला है। हालांकि इस बार के अनलॉक में पहले के मुकाबले ज्यादा छूट दी गई है, जिसके तहत आज से कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, पार्क, उद्यान और धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे। वहीं जिला प्रशासन की अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन अपेक्षित सावधानियों के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। इसके साथ ही क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद बताया गया है कि सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान और विद्यालय यानी कि पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के साथ साथ कोचिंग संस्थान भी सामान्य रूप से खुलेंगे। हालांकि इस दौरान उन्होंने संभावित तीसरी लहर से सचेत रहने की चेतावनी दी है। काली रिक्तियां। इरकॉन ने ग्रेजुएट अप्रेंटिस, डिप्लोमा अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 32 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, S&T तय की गई है। इसके साथ ही अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास प्रासंगिक विषय में इंजीनियरिंग में स्नातक में डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 13 सितंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.ircon.org पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार में बीमा कंपनियों पर होगी कार्रवाई। बीमा कंपनियों की लेट लतीफी के कारण आम नागरिकों को बीमा क्लेम करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि अब सरकार ने बिहार की ऐसी बीमा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है, जिसके तहत अब बीमा क्लेम भुगतान में बीमा कंपनियों की तरफ से अनावश्यक विलंब किए जाने पर संबंधित जीवन बीमा कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने सभी बीमा कंपनियों को समय पर बीमा क्लेम का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अगर आपको भी कोई परेशानी आ रही है तो आप बीमा क्लेम से संबंधित शिकायत के लिए ऑफिस ऑफ द ऑम्बड्समैन, प्रथम तल्ला, कल्पना आर्केड बिल्डिंग, बाजार समिति रोड, बहादुरपुर, पटना 800006 को लिखित और ईमेल bimalokpal@cioins.co.in पर शिकायत कर सकते हैं। राजधानी के किराए पर अब कर सकेंगे तेजस से यात्रा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आप भी तेजस ट्रेन से सफर करना चाहते हैं तो आपके लिए ये खबर कुछ खास है। 1 सितंबर से ट्रेन संख्या 02309-02310 राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन तेजस रेक के साथ चलेगी, यानी कि राजधानी में लगने वाले किराए में ही यात्रियों को तेजस ट्रेन जैसी सुविधा मिलेगी। भारतीय रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार राजधानी में तेजस रेक लगने से आने वाले दिनों में ट्रैक के अपग्रेड होने पर इसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इससे नई दिल्ली जाने में कम समय लगने की संभावना है। इसको लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से नई दिल्ली के बीच ट्रैक अपग्रेड का काम भी शुरू हो चुका है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे गिरिजा प्रसाद कोइराला की। गिरिजा प्रसाद कोइराला का जन्म सहरसा ब्रिटिश इंडिया में हुआ था, तब उनका परिवार वहां निर्वासन में रह रहा था। उनकी पढ़ाई लिखाई भी भारत में ही हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोमिल कॉलेज से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। वो नेपाल के शीर्ष राजनेता एवं नेपाली कांग्रेस के पूर्वाध्यक्ष थे। वो 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। गिरिजा प्रसाद कोइराला का राजनीतिक सफर 6 दशक से भी ज्यादा लंबा रहा। नेपाल के माओवादी संघर्ष से निजात दिलाने और उन्हें राजनीति की मुख्यधारा से जोड़ने में कोइराला ने अहम भूमिका निभाई। उनके करिश्मे की वजह से ही माओवादियों और 7 राजनीतिक दलों के बीच 12 सूत्री समझौते का खाका तैयार करना संभव हो सका था और नेपाल में हिंसा के लंबे दौर की समाप्ति हुई थी।
नीतीश कुमार ने दी 3 स्टेट हाईवे की सौगात। बिहार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन कई सौगात दी है, जिसके तहत उन्होंने बिहार के 3 SH और 1 बाईपास का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने अपने आवास से वर्चुअल रूप से इसका शुभारंभ किया। हालांकि इस दौरान डबल डेकर का शिलान्यास होने की उम्मीद जताई जा रही थी। हालांकि पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने बताया कि 31 अगस्त को इसका शिलान्यास होगा। इसके साथ ही राज्य के दूसरे डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। काम शुरू होने के 3 साल के भीतर निर्माण पूरा कराने का लक्ष्य है। इस फ्लाईओवर के एक फ्लाईओवर से आने तो दूसरे से जाने की व्यवस्था होगी। औरंगाबाद दरभंगा एक्सप्रेसवे के लिए पटना में हुआ भूमि का अधिग्रहण। औरंगाबाद दरभंगा एक्सप्रेसवे को लेकर डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में हुई प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की समीक्षा बैठक का आयोजन करवाया गया था। बैठक में औरंगाबाद दरभंगा एक्सप्रेसवे के लिए सरकारी जमीन और रियायती जमीन की सूची बनाकर सरकारी भूमि का हस्तांतरण के लिए सीधे अपर समाहर्ता के कार्यालय को उपलब्ध कराने का जिला प्रशासन ने HHI को निर्देश देने की बात कही थी, जिसके तहत पटना जिले के धनरुआ और फतुहा अंचल में 12 मौजा में कुल 205 एकड़ भूमि का अधिग्रहण हो रहा है। 3G प्रस्ताव NHAI को भेज दिया गया है। बिहार में बिजली चोरी के खिलाफ शुरू हुआ महाअभियान। बिहार में बिजली चोरी के खिलाफ महाअभियान की शुरुआत कर दी गई है, जिसके तहत विभाग ने 18 सर्किल में जांच के बाद बीते 12 दिनों में लगभग 5,35,87,949 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की है, जिसमें आरा, भागलपुर, पूर्णिया, जमुई, औरंगाबाद, बेगूसराय, पेसू पश्चिमी, पेसू पूर्वी, गया, सासाराम, पटना ग्रामीण, किशनगंज, छपरा पूर्वी, छपरा पश्चिमी, सिवान, महाराजगंज, गोपालगंज और मीरगंज शामिल है। बिजली विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार सबसे अधिक वसूली पटना पूर्वी, पटना पश्चिमी और पटना ग्रामीण से हुई है। तीनों सर्किल से करीब 21,304 उपभोक्ताओं के यहां जांच की गई। इसमें करीब 1,094 मामले चोरी के पकड़े गए हैं। एक साल बाद पटना में अब मिलेगा अंतरिक्ष में होने का एहसास। राजधानी पटना वासियों को अब पटना में ही अंतरिक्ष में होने का एहसास एक साल के बाद मिलने वाला है, क्योंकि एक साल से बंद पड़े श्रीकृष्ण विज्ञान केंद्र में दर्शकों के लिए इसे खोल दिया गया है। दर्शकों की सुविधा के लिए दोपहर 1:45 से 3:45 तक 3 शो की व्यवस्था की गई है। हालांकि इस बार विज्ञान केंद्र की गैलरी SOS में दर्शकों को अब नई चीजें देखने को मिलने वाली है। SOS गैलरी के संचालक के अनुसार पहले जहां नासा से आई कुछ घंटों की पुरानी तस्वीरें दर्शकों को दिखाई जाती थी, वहीं अब देश से लेकर पूरे विश्व में कितने लोग एक्टिव इंटरनेट मीडिया का यूज करते हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इतना ही नहीं, इस बार समुद्र के अंदर की हलचल और एयर ट्रैफिक के बारे में भी विशेष जानकारी दी जाएगी। बाढ़ प्रभावित इलाके में अनाज की कोई दिक्कत नहीं होने की कही गई बात। बीते दिन बिहार सरकार की खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह ने यह दावा किया है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार अनाज पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आश्वस्त किया है कि गरीबों को राशन मिले और उन्हें भोजन की कोई दिक्कत न हो, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। हमें अच्छे से पता है कि फिलहाल बिहार में बाढ़ की समस्या है, बड़ी आबादी के सामने भोजन की समस्या उत्पन्न हो गई है। लिहाजा खाद्य आपूर्ति विभाग की यही कोशिश है कि हमारे अधिकारी किसी न किसी माध्यम से बाढ़ प्रभावित जगहों तक पहुंचे और लोगों को अनाज मुहैया कराए। मंत्री ने इस बाबत कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाके में लोगों को किसी भी तरह की समस्या ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बसों में मनमाना भाड़ा वसूलने वालों पर अब होगी कार्रवाई। बिहार में कोरोना के नाम पर सार्वजनिक परिवहन वाहनों में दोगुना भाड़ा वसूली करने वाले बस संचालकों की जानकारी लगातार सामने आ रही थी। हालांकि अब ऐसे बस चालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होने वाली है। इस बाबत परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी और मोटर यान निरीक्षण को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। साझा की गई शिकायतों में ये कहा गया कि जब 50% क्षमता के साथ बसों का संचालन हो रहा था, तब भी दोगुना भाड़ा लिया जा रहा था, और अब जबकि पूर्ण क्षमता के साथ बसों का परिचालन किया जा रहा है, फिर भी दोगुना भाड़ा ही लिया जा रहा है। जिसके बाद अब परिवहन मंत्री शीला कुमारी की माने तो बस चालकों की तरफ से मनमाना भाड़ा वसूल किए जाने से यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जल्द ही इस पर कार्रवाई होगी। पिछले एक दशक में बिहार में दर्ज हुए 1,00,000 से अधिक SC/ST केस। पुलिस मुख्यालय में कमजोर वर्ग के मामलों को लेकर समीक्षा करने वाले वरीय अधिकारी ने बीते दिन राज्य में बीते 10.5 वर्षों के दौरान SC/ST एक्ट के तहत दर्ज किए गए केस का खुलासा किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि राज्य में बीते 10.5 साल के दौरान SC/ST एक्ट के तहत 1,04,430 मामले दर्ज किए गए हैं। CID कमजोर वर्ग के आंकड़ों के अनुसार साल 2011 से लेकर जून 2021 तक राज्य के विभिन्न थानों में SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों में 11.28% मामले ऐसे पाए गए हैं जो पुलिस जांच के बाद ही बंद पड़े हैं, जबकि 47.74% मामलों में पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है। बिहार के
अधिकतर इलाकों में बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट। बिहार के विभिन्न जिलों में इन दिनों बारिश का असर देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मानसून की ट्रफ लाइन जैसे जैसे हिमालय के तलहटी वाले क्षेत्र में विस्थापित हो रही है, वैसे वैसे बिहार में मानसून की सक्रियता बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि बिहार में आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले मसलन पश्चिमी एवं पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज, उत्तर मध्य बिहार के जिले जैसे सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर, उत्तर पूर्व बिहार के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में भारी से भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। पटना हाईकोर्ट में डॉक्टरों और कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए हुई सुनवाई। बीते दिन पटना हाईकोर्ट में डॉक्टरों और कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए सुनवाई होने वाली थी, लेकिन सुनवाई के दौरान इस मामले को लेकर होने वाली हियरिंग को टाल दिया गया। ज्ञात हो पटना हाईकोर्ट ने पहले ही कोरोना की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, कर्मचारी समेत अन्य रिक्त पदों को भरने के संबंध में अस्पताल प्रशासन और राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। साथ ही राज्य सरकार से भी इस बाबत ब्यौरे की मांग की थी। राज्य सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि पटना समेत पूरे राज्य में सभी लोगों को निःशुल्क कोविड से बचाव के लिए टीका दिया जा रहा है, जिसके बाद अब अगली सुनवाई 1 सितंबर को की जाएगी, जिसमें राज्य में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के मामले पर भी सुनवाई की जाएगी। मनोज वाजपेयी ने केआरके के खिलाफ किया मामला दर्ज। बिहार से निकले अभिनेता इन दिनों अपने फैमिली मैन 2 सीरीज के लिए चर्चा के पात्र बने हुए हैं। इस सीरीज के लिए उन्हें देश में तो काफी सराहना मिली ही, साथ ही हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें सम्मानित किया गया था। वहीं उनकी इस सीरीज को लेकर केआरके ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जो कि अब उन पर ही भारी पड़ने वाली है, क्योंकि फिल्मों और फिल्म सितारों के बारे में उल जुलूल टिप्पणियां करने के लिए कुख्यात कमाल आर खान के खिलाफ मनोज वाजपेयी ने मानहानि का केस दर्ज कराया है, जिसके तहत मनोज वाजपेयी ने इंदौर के न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने केआरके के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 मानहानि के खिलाफ दंड के तहत शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर अब सुनवाई 4 सितंबर को होगी। संभावित तीसरी लहर को लेकर बच्चों के लिए 10% बेड सुरक्षित। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हाल ही में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत राज्य के 35 जिले और 8 मेडिकल कॉलेज में संचालित विशेष नवजात देखभाल इकाई यानी कि एसएनसीयू में 10% बेड कोरोना संक्रमित बच्चों की देखभाल के लिए सुरक्षित किए जाने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने साफ कहा है कि राज्य के 11 जिले सहित सभी मेडिकल कॉलेज सह अस्पतालों में निर्मित पीकूवर भी नवजातों को आपातकालीन चिकित्सीय इलाज मुहैया करवाने में सक्षम है। इतना ही नहीं, अब कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सामुदायिक स्तर पर कोरोना के बेहतर प्रबंधन के लिए आशा, आशा फैसिलिटेटर, एएनएम, आरबीएसके टीम, बीएचएम एवं बीसीएम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र नई दिल्ली द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। उदयकांत मिश्र बने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष। उदयकांत मिश्र को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के पद पर व्यास जी का कार्यकाल सितंबर 2021 में खत्म होने वाला है और सरकार ने भी उनके कार्यकाल में कोई विस्तार नहीं दिया, जिसके तहत ही अब आपदा प्रबंधन विभाग के पत्र में कहा गया है कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉक्टर उदयकांत मिश्र को 12 सितंबर के प्रभाव से अगले 5 साल या अगले आदेश तक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि डॉक्टर मिश्र की सेवा शर्त और वेतन आपदा प्रबंधन नियमावली 2008 के अधीन होने वाली है। और बालू खनन पर नकेल कसने के लिए 1 अक्टूबर से होगी नई व्यवस्था। बिहार सरकार ने राज्य में इस बार बालू खनन शुरू करने के साथ ही अवैध खनन, अवैध बिक्री और ढुलाई पर नियंत्रण के लिए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला पहले ही सुना दिया है। इसको लेकर तैयारी अभी से ही हालांकि शुरू कर दी गई है। सरकार की तरफ से साझा की गई ताजा जानकारी के अनुसार 1 अक्टूबर से नदी घाटों में से फिर से खनन का काम शुरू होने वाला है। इसके तहत नदी घाटों की ड्रोन से मॉनिटरिंग, चालान की जांच सहित हाईटेक व्यवस्था से निगरानी की जाएगी। इसके अलावा मुख्यालय स्तर से निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। इतना ही नहीं, संवेदनशील नदी घाटों की पहचान कर वहां पर अतिरिक्त फोर्स बल के माध्यम से जांच सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा बालू घाटों की निगरानी ड्रोन कैमरे के माध्यम से तो होगी ही, ताकि सरकार के राजस्व में हानि ना पहुंच सके। जदयू ने एमएलए गोपाल मंडल को जारी किया शो कॉज।
डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर व्यवसायियों से पैसे वसूलने का आरोप लगाने के मामले में जदयू विधायक गोपाल मंडल की मुश्किलें बढ़ने वाली है, जिसके तहत जदयू के गोपालपुर से अपने विधायक गोपाल मंडल को शो कॉज जदयू ने जारी कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में भाजपा ने जदयू नेतृत्व से विधायक गोपाल मंडल पर कार्रवाई की मांग की थी। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि गोपाल मंडल से जवाब मांगा गया है, जवाब आने के बाद पार्टी जैसा उचित समझेगी आगे की कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि गोपाल मंडल ने जिस तरह का बयान दिया है कहीं से भी ठीक नहीं है। उन्हें अगर बात कहनी ही थी तो पार्टी फोरम पर अपनी बात रखनी चाहिए थी। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। केंद्र सरकार ने हाल ही में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना की शुरुआत की है। इसको लेकर अब बिहार में भी बवाल शुरू हो गया है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने बोलना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में राजद ने भी इस योजना को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारत एक अत्यंत सामाजिक आर्थिक असमानता वाला देश है। अगर निजी क्षेत्र, जिसका एकमात्र उद्देश्य आधिकारिक लाभ कमाना होता है, उनके हाथों में ही सब कुछ बेच दिया जाएगा तो कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा कौन करेगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, नौकरी, सब कुछ कमजोर वर्गों की पहुंच से बाहर हो जाएगा। केंद्र में बैठे नीम हकीमों ने अच्छी खासी दौड़ रही अर्थव्यवस्था को इतना बीमार कर दिया है कि अब इसका रिंगना भी दुभर हो गया है। अब इसे जिंदा रखने के लिए इसी के अंग काट काट कर देश की संपत्ति से झोला छाप निजी हाथों में बेच रहे हैं। आंगन बेचकर किस तरह घर चलाना, कौन सी काबिलियत है साहब? यादव को मिली अस्पताल से छुट्टी। बीते दिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हालांकि मीडिया में पहले ऐसी खबरें आई कि उनकी तबीयत खराब हो गई है, लेकिन बाद में उनके रूटीन चेकअप की बात कही गई। हालांकि राहत की बात यह है कि उनकी हालत ठीक है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, जिसके बाद ही वो अपनी बेटी मीसा भारती के घर पहुंच गए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। दिल की बीमारी के साथ ही डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट बढ़ना, यूरिक एसिड और ब्रेन से जुड़ी बीमारियों से वो ग्रस्त हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया था। बंगाल के क्रांतिकारियों ने 1914 को कलकत्ता में ब्रिटिश बोट पर हमला कर 50 माउजर और 46,000 राउंड गोलियां लूटी थी। म्यांमार अहिंसावादी नेता ऑंग सान सू की मोर्चा लेकर 1988 में रंगून आज के दिन पहुंची थी। प्रसिद्ध राजनेत्री संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी का जन्म 26 अगस्त 1956 को आज के दिन हुआ था। भारत रत्न सम्मानित मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। प्रसिद्ध विधिवेता, शिक्षा प्रेमी, रचनाकार और बंगाल भाषा के प्रसिद्ध कवि और संगीतकार अतुल प्रसाद सेन का निधन 1934 में आज के दिन हुआ था। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं हिंदुस्तानी सेवा दल के संस्थापक एनएस हार्डिकर का निधन 26 अगस्त 1975 को आज के दिन हुआ था। आईसीसी डब्ल्यूटीसी की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचा भारत। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में नए चक्र की अंक तालिका का ऐलान कर दिया है। डब्ल्यूसी के नए सत्र की पॉइंट टेबल में टीम इंडिया शीर्ष पर है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के चक्र में भी टीम इंडिया काफी समय तक पहले स्थान पर बनी हुई थी। मिली जानकारी के अनुसार टीम इंडिया ने एक मुकाबला जीता है, जबकि एक मैच भारत का ड्रॉ रहा था। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान की टीम है, जिसने एक मैच अपने नाम किया है। तीसरे पायदान पर वेस्ट इंडीज की टीम है, जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में जीत का खाता खोल चुकी है। चौथे पायदान पर इंग्लैंड की टीम है, जो भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही है। गूगल मैप की टक्कर में आया देसी पता मैप। गूगल मैप की टक्कर देने के लिए देसी नेविगेशन ऐप पता आ गया है। यह ऐप गूगल मैप से एक कदम आगे है। पता ऐप में यूजर खुद अपने घर के पते का जियो टैग कर पाएंगे। इससे रास्ता भटकने या फिर पूछने की समस्या खत्म हो जाएगी। शहरों को छोड़ दे तो देश भर में मकान नंबर मौजूद नहीं है। ऐसे में ई कॉमर्स कंपनियां नजदीकी लोकेशन या पिन कोड की मदद से सामान डिलीवरी करती है, लेकिन पता ऐप से घर के सटीक लोकेशन तक पहुंचने में मदद मिलेगी। इसमें लोग अपना पता खुद बना सकते हैं। पता ऐप के 3 महीने में 40 लाख यूजर बेस और अगले 6 महीने में 1 से 2 करोड़ यूजर बेस हो जाएंगे। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 24 अगस्त को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,630 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,500 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 63,400 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 104.87 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.51 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है कौशल कुमार, मृत्युंजय कुमार, विकास कुमार सिंह, राजीव कुमार, गौतम कुमार, लाल बाबू कुमार, रानी गुप्ता, अंशु सिंह, नंदलाल कुमार, नागेंद्र कुमार, दिलीप कुमार, रोशन राज, ओमकार सिंह, रोहित कुमार, प्रदीप चौधरी, फनी वीडियोज, अनारुल हक, राम नारायण कुमार, आदित्य शाह, संदीप सुमन।
इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार अनलॉक 6 में मिले मंदिरों और स्कूल संस्थानों को नियमित रूप से खोलने के फैसले से आप संतुष्ट है या नहीं, अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।